हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू दिस केमिस्टेशन ऑफ अल्काईलाइट्स सो माई नेम इज़ केतन टूडे विल डिसकस द प्रिपरेशन ऑफ हेलो रिक्स एंड हेलोअ तो गाइज यहाँ पर आज हम थोड़ी थोड़ी डिफरेंट प्रिप्रेशन रिएक्शंस की बातें करेंगे और कहीं ना कहीं जो ट्रिक कुछ इन्वॉल्व होगी जिससे हमारा प्रोडक्ट एकदम से आ जाएगा ट्रिक को यूज़ करके वो भी हम डिस्कस कर लेंगे ठीक है मैकेनिजम पर हमारा ज़्यादा फोकस नहीं रहेगा हमारा मेन मकसद है प्रिपरेशन रिएक्शंस और इफ़ देर इज अने ट्रिक इन्वॉल्व टू लर्न द प्रोडक्ट विल डो दैट ऑल्सो राइट सो लेट्स proceed to the preparation ऑफ हेलो alkanes लेट्स proceed सो so, गाइज uh, मैंने यहाँ पर जरा सा फ्लो चार्ट सब बनाया हुआ है बीच में आर एक्स लिखा हुआ है आर एक्स आपको बताया एल्काहेलाइट होता है तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है किस किस तरीके से प्रिपेयर किया जा सकता है राइट right? एक तो एल्कोहल से प्रिपेयर कर सकते हैं एक हाइड्रोकार्बन से प्रिपेयर कर सकते हैं एक एल्कीन से प्रिपेयर कर सकते हैं और एक रिएक्शन होते हैं बोरोडिन हंसडिकर उससे भी प्रिपेयर कर सकते हैं बोरोडिन हंसडिकर को एक बार छोड़ दूँ तो ये तीनों प्रोसेस जो यहाँ पर लिखे हुए हैं सोर्स ऑफ प्रिपरेशन वो एनसीआरटी में मैंशन है तो एक बोरोडिन हंसडेकर जो आउटसाइड एनसीआरटी है बट हमें पता होना चाहिए सिंस वी आर प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम्स एज वेल ओके सो विल टेक वन एट ए टाइम ठीक है एक सोर्स लेंगे और इनकी रिएक्शन की डिस्कशन करेंगे तो एल्कोहल की बात शुरू करते हैं ठीक है सो so, एल्कोहल की बात शुरू करते हैं फ्रॉम एल्कोहल राइट फ्रॉम एल्कोहल काइज में बहुत सारी रिएक्शन है जरा एक बार ध्यान से देखिएगा ठीक है अगर मेरे पास एल्कोहल है आर ओ एच है ना आर ओ एच इज द जनरल फॉर्मूला फॉर एल्कोहल उसमें गाइज अगर हम पी सी एल फाइव डाल दें फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड देखो फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड डालने का ना मकसद होता है कि इसमें एक चीज निकालना डेट इज पी ओ सी एल थ्री आपको प्रोडक्ट गेस्ट नहीं करना मतलब आपको सिंपली मतलब प्रोडक्ट एक ट्रिक से पता चल जाएगा कैसे ध्यान से देखेगा मैंने कहा जब भी हम पी सी एल फाइव से रिएक्शन करेंगे अल्कोहल की हमेशा पी ओ सी एल थ्री रिमूव होता है गाइस अब पी ओ सी एल थ्री रिमूव करने का मतलब क्या है कि ओ के नीचे पी सी एल थ्री लिख दो एक सी एल यहाँ लिख दो ये एक सी एल यहाँ लिख दो तो उससे क्या होगा आप अगर आप ध्यान से देखो तो बीच में मैंने पी ओ सी एल थ्री निकाला है एक तरह से इंटेंट मेरा ये है कि ओ के नीचे पी सी एल थ्री लिखने का मतलब है कि मैंने पी ओ सी एल थ्री निकाल के रिमूव कर दिया है एक सीएल एच के साथ चला गया एक सेल आर के साथ चला गया तो क्या बन गया बेटा आर सी एल प्लस पी ओ सी एल थ्री प्लस एच सी एल तो ये शॉर्टकट ट्रिक है हमारी पीसीएल फाइव की रिएक्शन के साथ तो जब भी किसी भी सबस्ट्रेट की रिएक्शन पीसीएल फाइव से करानी होती है हमेशा हमें पीओसीएल थ्री मूव करना है मैं लिख रहा हूं ऑलवेज रिमूवीएल थ्री वेन रिएक्शन अकर्स राइट ये छोटा सा ट्रिक हमने लिखे ताकि हमें याद रहेगा इस ठीक है ऐसे तो प्रोडक्ट देखिए याद तो देखो हमें पूरी ऑर्गेनिक ही करनी होती है बट कहीं के अगर छोटे छोटे ट्रिक पर चल रहा है ना तो हमें वो प्रोडक्ट गैस करने में है ना आसानी होती है तो यहाँ पर वही चीज़ है कि पी सी एल फाइव का मैंने मैकेनिज्म में तो नहीं बताया हमें ना पढ़ना है हमें बस ये देखना है कि उसकी शॉर्टकट ट्रिक क्या है दैट्स इट है ना हमें मैकेनिज्म में घुसना नहीं है ज़्यादा आगे देखते हैं गाइस अगर अल्कोहल की रिएक्शन आर ओ एच की रिएक्शन में पी एक्स थ्री से कर दूँ ठीक है नॉर्मली क्या होता है या तो सी एल होगा या बी आर होगा राइट तो क्या बन जाता है गाइस आर सी एल या फिर आर बी आर और साथ में एक बाय प्रोडक्ट निकलता है एच थ्री पीओ थ्री राइट इसके अगर आप बैलेंस कर लें तो यहाँ पर ये यह थ्री आर है और यहाँ पर भी ये थ्री आर है ठीक है तो यहाँ पर हम क्लोराइड्स और ब्रोमाइड बना सकते हैं और देखते हैं और किस तरीके से हम एल्कोहल से अल्काहीलाइड बना सकते हैं अल्काहीलाइट में कई सारे आ जाते हैं मैं देखो हम क्लोराइड ब्रोमाइड की बात करेंगे या थोड़ा बहुत एक रिएक्शन है की गाइस फ्लोराइड की बात बिल्कुल भी नहीं करते वाई बिकॉज कार्बन और फ्लोरीन बॉन्ड काफी ज़रा स्ट्रॉन्ग होता है जिससे तो क्या होता है रिएक्शन एक्जिथामिक होती है एक्सप्लोजिव भी होती है इनफैक्ट तो हम फ्लोराइड की बात नहीं करते हैं ठीक है तभी हम मेनली प्रिपरेशन में जो तो पढ़ेंगे वो ब्रोमाइड्स पढ़ेंगे और क्लोराइड पढ़ेंगे मेनली तो थोड़ा बहुत अगर देखा देखेंगे रिएक्शन तो आयोडाइड भी आ जाएगा बट फ्लोराइड तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ते हैं ठीक है राइट थर्ड अगर देखें गाइस आर ओ एच में आप डाल दीजिए रेड फॉस्फरस एक्स टू ठीक है ये भी यही होगा कि आर एच में कन्वर्ट कर देगा में कन्वर्ट कर देगा आपका एक्स दोबारा से क्या हो सकता है बी आर यही पॉपुलर है आपके सी एल और बी आर आर पॉपुलर यू कैन से कैन सेलोजन वेरी इजिली राइट कैन बी प्रिपेयर बाई नंबर ऑफ मेथड्स राइट सो एल्कोहल की रिएक्शन गाइज और देखें और किस तरीके से एल्कोहल से हम यू नो हेलाइट बना सकते हैं अगर मैं याद हूँ आर ओ एच इसमें डाल दो एच सी एल एंड एन कंसनट्रेटाइज एंड एन हाइड्रेड एन सी एल टू ये हमारा क्या होता है गाइस दिस इज अ लूकाज रिएजेंट इसे क्या बोलते हैं लूकाज रिएजेंट ठीक है और ये क्या बनाता है वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ एल्काइल क्लोराइड एल्कालोराइड एनफाइगाज ये हमारा क्या है ये तो एक डिस्टिंक्शन टेस्ट भी होता है ठीक है ये क्या है कैटलिस्ट की तरह बिहेव कर रहा है जेड एन सी एल टू राइट तो इसमें आपको पता ही होगा कि जो टर्शरी एल्कोहल है वो हमारा बहुत ही फास्ट रिएक्शन करता है उसे इनफैक्ट कैटलिस्ट भी नहीं चाहिए होता टू डिग्री एंड थ्री डिग्री अगर हम हम बात करें आर इफ आर इज टू डिग्री एंड थ्री डिग्री देन देर इज नो नीड ऑफ कैटलिस्ट वाइल इफ आर इज वन डिग्री देन कैटलिस इज रिक्वायर्ड राइट तो बेसिकली अगर आपका वन डिग्री होता है इसका मतलब वन डिग्री अल्कोहल की काफ़ी रिएक्टिविटीज़ रिएक्शन से बहुत कम है तभी वो बिल्कुल भी इसे रिएक्ट नहीं कर रहा है उसको इनिशिएट करके रिएक्शन करो हमें कैटलिस की रिक्वायरमेंट है बट अगर आप टू डिग्री और थ्री डिग्री एल्कोहल लेते हैं तो वहाँ पर रिक्वायरमेंट काइज नहीं है वहाँ पर डायरेक्टली यू नो आप बिना विदाउट कैटलिस लेंगे तब भी रिएक्शन हो जाती है ठीक है ठीक है यहाँ पर काइज एस एम वन मैकेजम फॉलो होता है तो उसकी भी हम अभी क्लास लेंगे बात में थोड़ी फिलहाल अभी हम एक जरा लिख लेते हैं एस एम वन मैकेजम इज़ फॉलोड राइट ठीक है आगे देखते हैं गाइज़ और एल्कोहल से कैसे बना सकते हैं एल्कोहल में आप डाल दीजिए एन ए बी आर एच टू एस फोर है ना ये डालने से क्या होगा अरे कुछ नहीं है देखो एच टू सो फोर हमें बताया इट्स तो अ डाई प्रोटिक एसिड है ना हमने आयनिक एक इक्विलिब्रियम अगर हमें पढ़ा है तो हमें याद होगा एच टू से फोर इज अ डाई प्रोटिक एसिड ये सिक्वेंशली ब्रेक करता है तो जब एन ए बी आर एच टू सो फोर से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है एन एच एस ओ फोर प्लस एच बी आर बेसिकली आर ओ एच की रिएक्शन एच बी आर से करें तो क्या होगा कर ही सकते हैं गाइज़ क्या होगा जी आर बी आर बन जाएगा और साथ में एन एच एस ओ फोर बन जाएगा ठीक है वो तो देखने में लग रहा था क्या होगा लेकिन इट्स अ वेरी सिंपल रिएक्शन तो ध्यान रखना प्लीज एन ए बी और एस टोसोफो मिला के एन एच एस फोर ही बनाएंगे ठीक है राइट आप देख रहे हो मैंने एच टूसो फोर को एक बार ही ब्रेक किया तभी पर सल्फेट आइन बन रहा है तो ये गलत है बोलना कि एच ट्रोसोफोर डायरेक्टली सल्फेट आइन बना नो एच टोसोफोर एक ड्राई प्रोटिक एसिड है तो सिक्वेंशली ब्रेक करता है तभी यहाँ पर एन ए टू एस ओ फोर नहीं बना गाइस यहाँ पर क्या बना एन एच एस ओ फोर ठीक है एनी वे वो वैसे इतना कोई ज़्यादा हाईलाइट नहीं करने वाला पॉइंट है बट ठीक है पता होना चाहिए हम लोगों को ठीक है एक लास्ट रिएक्शन आती है का अल्कोहल में अगर आप इसकी रिएक्शन करें किससे से आई के साथ एच थ्री पी ओ फोर राइट के आई के साथ एच थ्री पी ओ फोर तो यहाँ पर क्या होता है ये आयोडाइड बना देता है आयोडाइड बना देता है और आपको पता होगा इस थोड़ा सा आपको आइडिया देता हूँ कि जो आयोडिनेशन रिएक्शन होती है ना वो नॉर्मली रिवर्सेबल होती है रिवर्सिबल रिएक्शन को हमें दूर करने के लिए हम क्या करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं यहां पर ना अगर एक हम लिख देते हैं सेंस आयोडीन आयोडाइड बेंजीन या एल्काइल आयोडाइड राइट सेंस फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल आयोडाइड इज रिवर्सिबल इन नेचर एफओ वी यूज पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम ये यूज करते हैं ठीक है सो so बेसिकली अगर मैं यहां पर ऐसे मान लू अगर साइड प्रोडक्ट में एच हाँ आई बन रहा है तो अगर रिएक्शन रिवर्सिबल है इस तरीके से तो हम क्या करेंगे हम कहेंगे भाई अगर हमने एच एम थ्री ले लिया तो एच आई ए क्या करेगा आई माइनस हाँ. फ्रॉम एच आई माइनस क्या करेगा इस ऑक्सीडाइज करेगा और आपको ली एटली प्रिंसिपल याद होगा रिमूवल ऑफ प्रोडक्ट्स है ना अगर एच एन खा गया मतलब इसे रिएक्ट कर गया तो आप यही कह सकते हो रिमूवल ऑफ प्रोडक्स एट विल कॉज द रिएक्शन टू शिफ्ट फॉरवर्ड इसलिए रिवर्सिबिलिटी एक्सटेंड को कम करने के लिए हम पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं थोड़ा सा एक पॉइंट लिख सकते हैं हम यहाँ पर दिस इज ऑल अबाउट एज फार एस फ्रॉम एल्कोहल सोर्सिस कंसर्न

एल्किन है उससे पहले इलेक्ट्रोफाइल ऐड कर रहे हैं तो क्या बोल देंगे इलेक्ट्रोफाइल एडिशन रिएक्शन जैसे फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल लेते हैं सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू प्रोटीन लिया मैंने उसमें क्या एच सी एल डाल दो एच बी आर डाल दो राइट इनफैक्ट फैक्ट एच आई डाल दो और एच बी आर क्या क्या प्रोडक्ट बनने वाले हैं इनकी बात कर लेते हैं एच बी आर पेरोक्साइड वही सिंपल सी बात है एच सी डालें सिंपली एच की बात कर लेते हैं अगर हम एच डाल रहे हैं यलकिन के अंदर तो मार्कोनिक ऑफ एडिशन फॉलो होता है और जिस कार्बन पे हाइड्रोजन कम है वहाँ पर हाइड्रोजन लग जाता है ये हमें पता ही है तो अगर मैं फॉलो करूँ यहाँ पर मार्कोनिक ऑफ रूल तो यहाँ पर एच सी एल लगेगा यहाँ लग जाएगा भाई यहाँ पर एच कम है सिमिलरली बी आर लगेगा यहाँ लग जाएगा यहाँ एच कम है राइट right? सिमिलरली यहाँ पर भी यही होगा बट बेटे लास्ट स्टेप में अगर आप देखिए इन सब में क्या फॉलो हुआ है मार्कोनिकॉफ रूल एम आर मार्कॉनिक रूल बट लास्ट वाले में देखिए मैंने लिखा है एच बी आर पेरोक्साइड भाई इस जैसे आता है और साथ में एच बी आर है तुम्हें तो पता होगा यहाँ पर एक इफेक्ट यूज होता है इसे कहते हैं खराश इफेक्ट गाइस यहाँ पर एक इफेक्ट यूज होता है इसे कहते हैं खराश इफेक्ट खराश इफेक्ट क्या कहते हैं इट इज नथिंग बट एंटी मार्कोनिकॉफ इफेक्ट कि जो हमारा प्रोडक्ट ऊपर मार्कोनिकॉफ रूल से बढ़ रहा था बन रहा था वो यहाँ पर मार्कोनिकॉफ रूल से नहीं बनने वाला यहाँ पर एंटी मार्कोनिकल रूल से बनेगा सो दैट मीन्स जो बीआर है वो हमारा उस हाइड्रोजन पे उस कार्बन पे अटैच होगा जहाँ एच ज़्यादा है ना कि कम ओके okay? सो so इस केस में क्या होगा सी एच थ्री सी टू सी टू बी लास्ट में बीआर ऐड हो जाएगा बेटा ठीक है ना लास्ट में बीआर ऐड होगा पहले बीआर आर नहीं होगा राइट right? तो इसका मतलब है ना इसका मतलब हमें क्लियर है कि एच बी आर पेरोक्साइड के प्रेजेंस में का खराश होता है इनफैक्ट एच सेल पेक्साइड बोलो या एच आई पेरोक्साइड बोलो उसमें मार्कोनिकोफ एंटी मारकोनिकॉफ नहीं होता है तो ध्यान रखना खराश इफेक्ट इज ओनली ऑब्जर्वड इन एच बी आर पेरोक्साइड राइट दैट्स वाई रिटन रिटर्न खराश इफेक्ट अदरवाइज अगर यहाँ पर एच सेल होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता कोई खराश नहीं होता मार्कोनिको एडिशन होती पेरॉक्साइड के प्रेजेंस में भी चाहे ऐसा ही लिखूं पेरोक्साइड तब भी उस केस में क्या होता है इस मार्कोनिकोप ही फॉलो होता सिर्फ खराश इफेक्ट तभी होता है जब यहाँ पर आपको क्या होता है का एच बी आर होता है साथ में पेरॉक्साइड ठीक है तभी क्या बोलते हैं परऑक्साइड इफेक्ट भी बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको इसको हम परऑक्साइड इफेक्ट भी बोलते हैं राइट right. चलिए तो मैं एक लाइन लेता तो हूं यहां पर ताकि हमें याद रहे नोट करके खराश इफेक्ट खराश इफेक्ट इज ऑब्जर्वड ओनली केस ऑफ एच बी आर एच बी आर ठीक है एच बी आर पेरोक्साइड सो दिस इज ऑल अबाउट एल्कीन गाइस एल्कीन में सिंपली हमारे पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ये से हम एल्का हेलाइट्स बना सकते हैं जो भी आपको आपने देखा ठीक है तो हमने कुछ नहीं करा एच एक्स एड करा एल्कीन पे और मारकोनिको वे फॉलो करा सिंपली बस एच बी आर पेरोक्साइड में एंटी मार्कोनिको फॉलो करा और एल्काइल हेलाइट्स बना लिए हेलाइट्स अभी आपने देखा होगा ब्रोमाइड्स क्लोराइड और आयोडाइड बनाया मैंने फ्लोराइड अगेन नहीं बनाया गाइस बिकॉज उसकी रिएक्शन और बताया बहुत ज़्यादा एक्सप्लोसिव होती है तो हम डील नहीं करते ठीक है राइट ओके आगे देखते हैं गाइस फ्रॉम हाइड्रोकार्बन थर्ड इज फ्रॉम हाइड्रोकार्बन ठीक है थर्ड इज फ्रॉम हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन बोले तो गाइस एल्केन हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या है एल्केन ही है हमारे लिए ठीक है तो मैं यहाँ पर बेसिकली हैलोजनेशन रिएक्शन की बात करूंगा रिएक्शन टॉकिंग अबाउट विल बी हैलोजनेशन रिएक्शन तो हैलोजनेशन रिएक्शन में अगर हम बात करें गाइस तो क्या होगा पहले अगर हम बात करें क्लोरिनेशन दो ही पढ़ेंगे यहाँ पर क्लोरिनेशन या ब्रोमिनेशन आयोडिनेशन की बात कर लेंगे मतलब मैंने वही बोला था इतना ज्यादा उसकी रिएक्शन पॉपुलर नहीं होती है उसके बस रिएक्शन रिवर्सिबल होती है तो बस मेक श्योर sure ही करेंगे कि वहाँ पर एक पावरफुल ऑक्सीराइजिंग एजेंट यूज कर लें ताकि ऐसे आपको पीछे बताया मैंने वो एच आई को ऑक्सीराइज करके आई टू बना लेगा और प्रोडक्ट रिमूव होगा तो रिएक्शन बेस आटे से आगे चला जाएगा तो यील्ड अच्छी हो जाएगी तो यील्ड बढ़ानी है अगर आयोडिनेशन में आपको रिवर्सिबिलिटी कम करनी है तो आप पावरफुल ऑक्सीडजिंग एजेंट ले लेंगे राइट तो क्लोरिनेशन में गाई हमें जैसे कि मैं सिंपल एग्जाम्पल लूँ प्रोपेन का राइट right, तो इस केस में अगर मैं सी एल टू एच न्यू डालता हूँ तो क्या इसे पता होना चाहिए यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा माइनर प्रोडक्ट कौन सा होगा वैसे तो दो पॉसिबिलिटी दिख रही है मुझे बना ही लेते हैं एक बारी एक तो ये पॉसिबिलिटी है राइट right? और एक है ये पॉसिबिलिटी दिस इज द सेकंड पॉसिबिलिटी गाइस तो क्लियरली सेकंड पॉसिबिलिटी इज मेजर दिस इज द मेजर एंड दिस इज द माइनर रीज़न क्यों क्या है इसका बेटा इसमें ना वेटेज रूल यहां पर लगता है हम लोगों को पता है वेटेज रूल यहाँ पर लगता है वेटेज रूल क्या होता है वन इज टू थ्री पॉइंट एट इस है ना ये बेसिकली इसका वेटेज रूल है प्राइमरी हाइड्रोजन सेकेंडरी हाइड्रोजन और टर्शी हाइड्रोजन का है. तो आपको काउंट करना होता है बेसिकली आपको देखना होता है कि कितने प्राइमरी हाइड्रोजन उसके हिसाब से रिएक्टिविटी रेशियो क्या रिएक्टिविटी रेट क्या होगा उसके हिसाब से सेकेंडरी uh, कार्बन का मतलब कौन से कार्बन का रिएक्टिविटी रेट ज्यादा होगा जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देखें ये वन डिग्री है वन डिग्री है टू डिग्री, डिग्री है तो टू डिग्री हाइड्रोजन दो है तो तो कितने हो जाएंगे बेटा ये टू इंटू थ्री पॉइंट एट दैट इज सेवन पॉइंट सिक्स राइट और वन डिग्री हाइड्रोजन सिक्स है बेटा तो वन इंटू सिक्स डेट इज सिक्स सो क्लियरली सेकेंडरी हाइड्रोजन की जो रिएक्टिविटी होगी वो ज़्यादा हो गया इसके बिटू प्राइमरी हाइड्रोजन की आंसर हमारा जब बड़ा आ रहा है तो क्लियरली मेजर प्रोडक्ट कौन सा हो गया ये वाला हो गया माइनर ये वाला हो गया तो सिंपल रिएक्टिविटी रेशियो से हम डायरेक्टली बता सकते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट मेजर है सेम गाइस यहाँ पर ब्रोमिनेशन के लिए भी होता है बट वहाँ तो रेशियो में बहुत डिफरेंस होता है बहुत ज़्यादा इनफैक्ट ब्रोमिनेशन रिएक्शन ठीक है उसमें रेशो होता है रेशोन डिग्री एच इस टू टू डिग्री एच इस टू थ्री डिग्री एच का ऑलमोस्ट होता है टू टू टर्शी हाइड्रोजन देखो कितनी ज्यादा रिएक्टिविटी है 1600 है है गाइस बहुत ज़्यादा रिएक्टिविटी तो कहीं पर भी अगर टर्शी कार्बन दिख गया तो वहीं पर क्या लगा दो बिया लगा दोगे आप तो क्योंकि टर्शी हाइड्रोजन की तो बहुत ज्यादा हमारी यू नो रिएक्टिविटी है टर्शी हाइड्रोजन का मतलब है गाइस कार्बन से अटैच हुआ हाइड्रोजन राइट उसका मतलब अगर मेरे पास ये सबस्ट्रेट है फॉर एक्साम्पल कोई फर्क नहीं पड़ता ना कुछ भी दे रखा हो एक टर्शी हाइड्रोजन दिख गए तो उसकी सिक्सटीन हंड्रेड रेशो है सो क्लियरली वही क्या देगा मेजर प्रोडक्ट देगा तो इसका अगर आपने ब्रोमीन कर भी दिया बी आर टू एच डी यू क्या होगा मेजर प्रोडक्ट बेटा सिंपली टर्शी हाइड्रोजन देखो ये टर्शी कार्बन है ये टर्शी हाइड्रोजन है उसको हटाओ बी आर लगाओ खत्म राइट तो इसमें वो सोचना ही नहीं है आपको यहाँ बी आर आ गया ठीक है ना राइट दिस इज द मेजर प्रोडक्ट दिस इज द सी एस थ्री सी सी एस थ्री बी आर बेटा सी एच टू सी एस थ्री तो ये क्या आ जाएगा हमारा मेजर प्रोडक्ट दिस विल बी द मेजर प्रोडक्ट तो फ्रॉम हाइड्रोकार्बन फ्राम हाइड्रोकारज हाइलोजिनेशन एंड हाइलोजिनेशन इज कंसर्न दिस टू हेव टू स्टडी ठीक है हाइडिनेशन के मैंने भी बोला बात ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि वो रिएक्शन बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं होती हैं और रिएक्शन रिवर्सिबल होती हैं बट ये बता दिया आपको मैंने उसमें यील्ड बढ़ाने के लिए आप एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करते हैं ताकि उससे वो क्या करें आई माइनस को आई टू में कन्वर्ट करें प्रोडक्ट्स रिमूव करें ताकि रिएक्शन आगे शिफ्ट हो बाई ली शार्टलियर प्रिंसिपल गाइज इक्विलिब्रियम में तो है इक्विलिब्रियम में अगर प्रोडक्ट आप गायब करोगे तो रिएक्शन आगे तो जाएगा प्रोडक्ट बढ़ाएगा बेसिकली याद करो ली शार्टलियर प्रिंसिपल राइट तो उस तरीके से आपका यील्ड बढ़ जाएगा ओके बट वी हैव सर्टेन सर्टे सम रिएक्शंस मोर हेयर अगर हम एल्कीन मतलब एलाइलिक एलाइलिकलोजिनेशन की बात करें पर्टिकुलरली एलाइलिक कार्बन गाइस कौन सा होता है पहले तो पता होना चाहिए तभी हम एलाइलिक की बात कर पाएंगे एलाइलिक कार्बन इज फर्स्ट एस पी थ्री हाइब्रेडाइज कार्बन अटैच टू एल्कीन फर्स्ट एसपी थ्री हाइब्रोडाइज कार्बन अटैच टू एल्कीन एल्कीन से पहला एसपी थ्री हाइब्रोडाइज कार्बन क्या बोला जाता है बेटा एलाइलिक बोला जाता है तो इसके एग्जाम्पल अगर हम देख इसके रियक्शन देख लें अगर हम एक बारी तो वी हैव है सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू इसमें रिएजेंट बहुत सारे होते हैं जैसे एक होता है एन बी एस सी सी एल फोर एन बी एस का मतलब क्या होता है एन ब्रोमो दिस इज एन ब्रोमो सक्सेना राइट ये भी क्या करते हैं इसे पर्टिकुलरली एलाइलिक पोजिशन पे क्या करते हैं बी क्रिएट बी आर लगाता है है ना अगर मैं रिएक्शन करा रहा हूँ लेट से सी एल टू एच एंड टेम्परेचर है सेवन सेवनटी थ्री तो गाइज़ ये भी क्या करेगा ये भी सेम काम करता है ये भी एलाइलिक पोजिशन में क्या लगाते हैं सीए लगाता है आप देख रहे हो टेम्परेचर इतना ज्यादा है तो नाचा इतना टेम्परेचर ज्यादा होने में ना क्या होता होम है होमोलिटिक लेवेज के चांसेस होते हैं गाइस होमोलिटिक लेवेज का मतलब ये है कि यहाँ पर ये रेडिकल क्रिएट करेंगे कहाँ पर एलाइलिक पोजीशन पे और वहां पर एक बार बी आर लग जाएगा ऊपर राइट इस तरीके से और नीचे क्या लग जाएगा बेटा सी ए लग जाएगा राइट दिस इज दिस इज ऑल अबाउट दिस इज अबाउट एलाइलिक एलाइलिकलोजनेशन तो अगर आपको पर्टिकुलरली एलाइलिक पोजिशन पर हेलोजन लगाना है तो आपको ये सेट ऑफ रीजन फॉलो करने पड़ेंगे ठीक है अगर ये सेट ऑफ रीजन आप फॉलो कर लेते हैं तो आपको एलाइलिक एलाइलिकलोजनेशन ही ऑप्टेन होगा राइट क्योंकि तो आप देख रहे हो आप हाई टेम्परेचर पर आप देखो यहाँ पर कैटलिस्ट दिया गया इस मैंने इसका तो मतलब जब भी रेडिकल क्रिएट कर रहे हैं ना बेसिकली एलाइलिक पोजिशन पर तो वो सेट ऑफ पर्टिकुलर सेट ऑफ रिजन है ऐसा नहीं कि हर जगह पर डायरेक्ट सी एल टू एच में लिख दिया पोजिशन पर रेडिकल क्रिएट हो जाएगा नो यू हैव टू द सेट ऑफ से तो यही दिक्कत आती है ऑर्गेनिक में हमें सेट ऑफ कंडीशन याद नहीं रहती तो प्लीज वेन एवर यू आर स्टडिंग ऑर्गेनिक तो प्लीज रिमेंबर द सेट ऑफ कंडीशन टू बी पुट ऑन द एरो सो दैट यू कम टू नो दैट वहाँ पर कैसा प्रोडक्ट बनेगा है ना एलाइलिक कराना है या नॉर्मल हाइजोनेशन करानी है तो आपको सेट ऑफ रिएजेंट्स देख के ही पता चलेगा जो एरो पे लिखे होते हैं राइट दिस इज ऑल अबाउट हाइड्रोकार्बन एज फार एज हाइड्रोकार्बन इज कंसर्न राइट सो लेट्स टॉक सो गाइज लेट्स टॉक अबाउट बोरोडिंग हंसडे रिएक्शन ओके दिस इज द फोर्थ वन फ्रॉम विच यू नो एल्काइट कैन बी प्रिपेयर एज फार इज दिस रिएक्शन इज कंसर्न वी हैव टू प्रिपेयर एलकाइल ब्रोमाइड्स स्पेसिफिकली अगर हमें अल्काइल ब्रोमाइड बनाना है ठीक है अलकाइल ब्रोमाइड बनाना है तो हम क्या करेंगे गाई? हम बोरोडीन हंसट का कराएंगे ओके okay, सो so इसमें क्या होता है बेसिकली वी रिएक्ट सिल्वर सॉल्ट ऑफ वी रिएक्ट सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विद ब्रोमीन सी सी एल फोर राइट ब्रोमीन सी सी एल फोर टू फॉर्म एल्काइल ब्रोमाइट्स राइट टू फॉर्म एल्काइल ब्रोमाइट सो रिएक्शन है हमारी आर सी ओ वे ए जी बेसिकली कहीं इस कार्बो ऑक्सिलिक एसिड क्या होता है आर सी ओ एच होते हैं एच हटा के हमने ए जी लगा दिया तो आर सी ओ माइनस ए जी प्लस में क्या डाल दिया बी आर टू सी सी एल फोर तो क्या आ जाएगा आर बी आर प्लस ए जी बी आर प्लस सी ओ टू राइट दैट्स हाउ वी कैन प्रिपेयर एल्काइल ब्रोमाइड्स फ्रॉम बोरोडिन हंसटिकर तो पर्टिकुलरली अगर हम एल्काइल ब्रोमाइड्स की बात करनी है तो बोरोडीन है. बाकी गाइज अगर वेराइटी ऑफ कंपाउंड सिंथेसाइज करने मतलब अल्काहेलाइट्स हम एल्कोहल ले सकते हैं सबस्ट्रेट है ना हम अगर हम इसे हेलोजनेशन मतलब सी एल ओ बर हाइड्रोकार्बन्स इंट्रोड्यूस करना है तो हम हैलोजनेशन करा सकते हैं तो दैट्स हाउ वी कैन प्रिपेयर यू नो हेलोअल्किस तो आई होप ये स्मॉल स्नैप था उस फ्लो uh, डाइग्राम का जो मैंने आपको रिएक्शन से एक्सप्लेन कर दिया तो so गाइज इस ऑर्गेनिक गैनिक बता रहा हूँ मैं अगर आपको चाहते हो ना मास्टर करना ऑर्गेनिक गैनिकों तो आपको हर एक रिएक्शन होगा इस दो तीन बार लिखना पड़ेगा एटलीस्ट और देखना पड़ेगा कि हाँ प्रोडक्ट कैसे बन रहे हैं अगर मैकेनिज्म है तो वो देखना पड़ेगा ठीक है फिलहाल अभी तो हम बहुत ईजी तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ को मैं कि फ्लो डायग्राम से हम कैसे बता सकते हैं तो आप भी लर्न ऐसे ही करो कि अगर एल्का लाइट आर एक्स बीच में रखा सेंटर करो उसको और चारों सबस्ट्रेट जो भी बन रहे हैं उसको अलग अलग लिख दो और फिर सोचो कि कैसे कैसे वो बन सकता है उससे तो उससे क्या होगा ना कन्वर्जेंस एक टॉपिक आता है कन्वर्जेंस यहाँ से वहाँ चलो जी तो वो भी हमें इन इस अप्रोच से क्लियर हो जाता है राइट तो इट्स अ रिक्वेस्ट कि वी शुड स्टडी ऑरगेनिक इन सम वेट डिफरेंट अप्रोच वी शुड नॉट मगअप दी शुड नॉट जस्ट रिवाइज द नोट्स लाइक मी डू इन फिजिकल केमिस्ट्री राइट सो दैट्स माई यू नो वन सजेशन टू यू गाइज सो आगे बढ़ते हैं हम अब हेल केन्स की तुमने बात कर ली है मे बी ऑलरेडी टॉक्ट अबाउट हेल केन्स नाउ वी कैन टॉक अबाउट गाइज नाउ वी कैन टॉक अबाउट एराइल पर देख रहे होरायल ग्रुप नोटिस करना है ए आर एक्स बोल रहा हूँ उस मतलब क्या वो एक्स बेन्जीन से डायरेक्टली अटैच है राइट जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर तो कहीं यहाँ पर तीन तीन चीजों से तीन सोर्सेज है यहाँ पर यूनो बेसिकली एराल लाइट बनाने के राइट right? एक तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से बना सकते हो एक बोरोडीन हंसडिका से बना सकते हो और एक बेंजीन से बना सकते हो तो एक करके यहाँ पर डिस्कस करेंगे बेंजीन डाइजोनियम हिलाइट जो है इस इज वेरी इंपॉर्टेंट सबस्ट्रेट राइट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सबस्ट्रेट फॉर प्रिपरेशन ऑफ ए आर एक्स राइट फॉर प्रिपरेशन ऑफ ए आर एक्स ये आप दोबारा से आगे भी पढ़ोगे अमीन्स के अंदर एक चैप्टर आता है अमींस ट्वेल्थ में ठीक है वहां भी पढ़ोगे बट ये भी यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट है राइट उसी का थोड़ा सा यहाँ पर पार्ट दे रखा है

राइट right. और इसमें पहले स्टेप लिखते हैं इसमें पहला लिखते हैं हैं का मतलब है पहले 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 हम हम क्या बनाएंगे ना पहले हम मैंने बोला कि पहले बेंजीन समझ लेते हैं। कैसे बनता है क्या नथिंग बट द प्रोसेस ऑफ रिपेयरिंग क्या करते हैं रियाक्ट एनलिन क्या होता है बेटा प्राइमरी एरोमेटिक एमीन, राइट प्राइमरी एरोमेटिक एमीन को हम क्या बोलते हैं एनएडीन मतलब बेंजीन पे एनेशो लगा दो उसे क्या बोलते हैं एनएडीन सिंपल सी बात है ठीक है अभी रिएक्शन देख लेंगे हम सो विद एनए टू एच सी एल विद एन एन टू एच सी एल एट जीरो टू फाइव डिग्री सेल्सियस ठीक है टू फॉर्म बेनजीन डायजोनियम हेलाइट पर्टिकुलर क्लोराइट राइट बेनजीन डाइजोनियम क्लोराइड तो बेसिकली गाइज वी हैव पी एच एन एच टू राइट पी एच आर समझिए क्यों मैं बार बार डिफरेंट तरीके से लिख रहा हूँ क्योंकि मैं पता हूँ बेंजीन लिख दो पी एच लिख दो ए आर लिख दो फ़र्क नहीं पड़ता गाइज सेम चीज़ है ठीक है एराइल ग्रुप है बेसिकली फिनाइल बोल दो एराइल बोल दो बेंजीन लगा दो क्या फ़र्क पड़ेगा तीनों की बात सही तो है ठीक है ना बेसिकली so यहाँ पर लगा दो जी एन एन ओ टू एच सी एल ज़ीरो टू फाइव डिग्री सेल्सियस क्या होगा ये बन जाएगा पी एच एन प्लस ट्रिपल बॉन्ड एन सी एल माइनस इसे क्या कहते हैं बेटा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड ठीक है इस रिएक्शन को मैं जरा पीछे ही लगाता हूँ राइट दिस रिएक्शन हेयर यहाँ लिख लेते हैं सो वी हैव पी एच एन एच टू राइट उसमें हमने क्या डाला है एन एन ओ टू एच सी एल जीरो टू फाइव डिग्री सेल्सियस इज इज वेरी इंपॉर्टेंट आई विल टेल यू वाई जीरो टू फाइव डिग्री सेल्सियस वाई आइस कोर कंडीशन देयर वाइनॉट रूम टेम्परेचर तो गाइस अभी बताता दूँ उसका आंसर क्या होगा क्या बन जाएगा पी एच राइट एन प्लस एन सी एल माइनस राइट ऐसे लिख दो या फिर कुछ लोग ऐसे भी लिख देते हैं इसको पी एच एन टू प्लस सी एल माइनस एक ही बात है इसी को क्या बोलते हैं गाइस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड इसका नाम क्या है इसी का नाम क्या है गाइज बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड ओके okay? राइट right? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड सो राइट बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड तो गाइज ये समझ में आ गया कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड कैसे बना है और आप देख रहे हो बहुत ज्यादा रिएक्टिव दिख रहा है मुझे क्यों क्योंकि गाइज नाइट्रोजन पे है पॉजिटिव चार्ज तभी इसको हम रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन नहीं करते हैं बाय बिकॉज इसका हाइड्रोलिसिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं तो हम क्या ये काफी रिएक्टिव होता है इट इज हाईली रिएक्टिव क्योंकि एन पे है पॉजिटिव चार्ज ठीक है तो आसानी से ये क्या करता है रिएक्ट कर जाता है तो इसलिए इसी रिएक्शन रूम टेम्परेचर पर नहीं करा के आइस कोल्ड कंडीशन में कराई जाती है तभी क्या होगा इस हमारा हाइड्रोलिसिस uh, प्रिवेंट हो जाता है मतलब इट डजन अंडर गो हाइडोलिसिस इफ यू ब्रिंग अ टेम्परेचर टू रूम टेम्परेचर रेडली अंडर गो हाइड्रोसिस टू फॉर्म फिनोल राइट तो वी डोंट वॉन्ट दैट रिएक्शन दैट्स वाई वी आर मेंटेनिंग द टेम्परेचर टू जीरो टू फाइव डिग्री सेल्सियस अब एक बार ही बेनजीन डाइजोन क्लोराइड गाइस बन गया उसके बाद एआर एक्स बनाना बहुत ईजी होता है चलो देखते हैं कैसे ठीक है लेट्स सी इस तो मैंने यहाँ पर बीच में एक वही बेनजीन डाइजोनियम क्लोराइड ले लिया है अब यहाँ पर अगर मैं मान लू गाइस सी यू सी एल एच सी एल डाल दूँ यहाँ मान लो मैं डाल दूँ सी यू एच सी एल यहाँ डाल दूँ के आई यहाँ डाल दूँ लेट से एच बी एफ फोर राइट एन एन ओ टू या सिंपल एच बी एफ फोर भी डाल सकते हो तो वो भी ठीक है तो गाइस डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट बन जाते हैं ठीक है इसका नाम तो ये तो ये हमारी क्या है ये बेसिकली इट्स अ नेम रिएक्शन दैट इज कॉल्ड एज सैंड में रिएक्शन ठीक है सैंड में रिएक्शन है बेसिकली यहाँ पर आप सी यू बी आर भी ले सकते हो एच बी आर

है ना इट्स इसकी टेंडेंसी है कि वो बाहर निकल जाए ग्रुप पूरा का पूरा ग्रुप वाला कि पूरा का पूरा ग्रुप बाहर निकलने की टेंडेंसी रख रहा है निकल लिविंग टेंडेंसी रख रहा है क्यूं? क्यों क्योंकि उस पर पॉजिटिव चार्ज ना हा, है नाइट्रोन क्योंकि हाईली अनस्टेबल है वी नो दैट नाइट्रोजन इज थर्ड मोड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट द होल टेबल तो उस पर पॉजिटिव चार्ज क्या होगा स्टेबल तो नहीं होगा ना तो विड्रॉ करेगा से इलेक्ट्रॉन एस्ट्री तो ये फीलिंग आ रही है दिमाग में कि यार इसको इसको हम एन टू प्लस मतलब एन प्लस ट्रिपॉन एन को आसानी से रिमूव ऑफ कर सकते हैं और इससे जगह कुछ और लग सकता है तब यहाँ पर यही हो रहा है कि आप सी यू सी एल इ्सिल आराम सेल यहाँ पर इस पूरे ग्रुप की पोजिशन ले पा रहे हो राइट तो यहाँ पर यही हो रहा है आप सारे रिएक्शन में ऐसे एक्सप्लेनेशन है कि ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव है नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है गाइस तो क्या होगा वो चाहेगा अपने पॉजिटिव चार्ज को नलिफाई कर ले तो उसके लिए क्या करेगा इट विल लीव एज अ गुड लिविंग ग्रुप एंड द अदर न्यूक्लियो अदर यू नो थिंग विल कम इन प्लेस ऑफ इट इन दिस केस इट इज एलोजन राइट तो सैंड में रिएक्शन में क्या करते हैं हम कॉपर पाउडर दिस इज कॉपर सॉरी दिस इज अवरस हेलाइट दिस इज अवरस हेलाइट बोल दो हेलाइट में ब्रोमाइड क्लोराइड दोनों आ जाएंगे हेलाइट में गाइज़ दोनों आ गए ब्रोमाइड क्लोराइड राइट ठीक है तो इससे क्या आ जाएगा और साथ में हेलोजन एसिड तो क्या आ जाता है गाइस इस हमारा सीर और बी आर ठीक है अगर गाइस कॉपर पाउडर कॉपर पाउडर और एच एल से रिएक्शन करोगे तो गाइस गई अगर एक नेम रिएक्शन है इसे बोलते हैं गैटरमैन रिएक्शन प्रोडक्ट सेम बनेगा प्रोडक्ट में कोई गड़बड़ नहीं है बट मैं कह रहा हूँ इस, इसका नेम रिएक्शन डिफरेंट हो जाता है ये गैटरमैन रिएक्शन बोलते हैं इसको तो क्या हो जाएगा बेटा ये हो जाएगा आपका ये हट जाएगा पूरा और यहाँ पर क्या जाएगा? आ जाएगा सी एल या बी आर आ जाएगा यहाँ भी एच सी एल ले सकते हो या फिर एच बी आर ले सकते हो ठीक है आप देख रहे हो सैंड में और गैटरमैन से आप ब्रोमो पेंसिल या फ्लोरो बेंसिल बना सकते हो अगर आप चाहते हो फ्लोरो पेंसिल बनाना तो फिर आप एच बी एफ फोर यूज़ करो अगर आप चाहते हो आयोडो पेंसिल बनाना तो आप के आई यूज़ करो राइट तो यहाँ पर क्या आ गया यहाँ पर सब कुछ हटेगा और क्या लग जाएगा बेटा

जब क्या बनाओ आपका बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड गाइस ये क्या है दिस इज नथिंग बट बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड अगर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड हमारा होगा तो हम ये डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शन कर पाएंगे और एल्काइल एलकाइल सॉरी एराइल हिलाइट बना पाएंगे और एराइल एल में सारे ही आ रहे हैं गाइस फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो सब ठीक है तो यहां अच्छी बात यह है कि कुछ भी बनाया जा सकता है ठीक है राइट गाइस तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड इज वेरी इंपॉर्टेंट राइट अब कुछ और सब्सैक्ट भी थे आई थिंक बेंजीन भी था हमारे पास हमारे पास एक हर हंस डिगर रिएक्शन भी थी तो ऑलमोस्ट सिमिलर सी है भी जैसे हमने एल्का से पढ़ा है बोरोडीन हंस डिगर तो उसकी बात भी कर लेते हैं पहले बेंजीन की बात कर लेते हैं गाइस बेंजीन तीन तरीके से हम बेंजीन से प्रिपेयर कर सकते हैं यू नो अगेन हेलो बेंजीन्स कैसे एक तो गाइस हम डाल रहे हैं इस पे एफी सी एल टू डार्क ठीक है सीएल टू एफ ए डार्क डाल दीजिए तो क्या होगा यहां से आपका सी एल आ जाएगा डार्क का मतलब है इस हम चाहते हैं कि वो ना हो ना डार्क का मतलब ये है कि वी वॉन्ट टू अवॉइड द फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल राइट वी डोंट वॉन्ट टू कैरी आउट फ्री रेडिकल रिएक्शन ओके तो बेसिकली डार्क का मतलब यहां पर यह है तो आप कहीं लिख सकते हैं इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अवॉइड द फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स क्योंकि जब भी सनलाइट होती है लाइट होती है तभी रेडिकल बनने की फॉर्मेशन बढ़ती है राइट right? to avoid the formation of free radicals to avoid the formation of free radical right secondly guys agar ek reaction lete hain jaise agar main icl ki reaction karadun fecl3 anhydrous ठीक है guys, anhydrous का मतलब है कि e पानी की कमी है Secondly, fecl3 एक लोएस एसिड है fecl3 क्या है एक लोएस एसिड है तो वो क्या करेगा गाइस fecl3 के पास क्या है मतलब बेसिकली एक आप कह सकते हो एम टी ऑर्बिटल है और यहां से सी एल माइनस को वो है ना एक्सट्रैक्ट करेगा सी एल माइनस और यहां पर क्या आएगा आई प्लस आई प्लस क्या करेगा इस बेंजीन पे इस तरीके से अटैक कर लेगा और क्या बन जाएगा एडो बेंजीन ठीक है तो बेसिकली मैंने यहां पर जो रिएक्शन कराई है उस रिएक्शन का नाम है इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन ठीक है आप देखो एच के आई आया आई यहां पर क्या आ रहा रहेगा इस आई प्लस है एच एच प्लस की फॉर्म में निकला है वो भी क्या है इलेक्ट्रोफाइल है तो एक इलेक्ट्रोफाइल की जगह दूसरे इलेक्ट्रोफाइल आ गया तो क्या बोलेंगे रिएक्शन रिएक्शन ओके सो दिस इज नथिंग बट राइट फाइन आई होप मैं दोबारा से एक बार क्लियर कर देता हूं इसमें थोड़ा आपको अगर दिक्कत आई हो तो आप दोबारा से एक बार इसको समझ लीजिए मैंने बोला एक लेस एसिड है एनहाइड्रस का मतलब है कि अगर एनहाइड्रस नहीं लूंगा तो पानी अगर लेता ना तो पानी की इलेक्ट्रॉन से एक्सेप्ट कर लेता वो है ना तो लुइस एसिड का काम ही है कि वो इलेक्ट्रॉन पर एक्सेप्टर होता है तो मैं चाहता हूँ पानी से रिएक्ट ना करे तो मैंने एनहाइड्रस ले लिया एनहाइड्रस का मतलब क्या होगा टू प्रिवेंट हाइड्रोलिसिस ना व्हाट आई वांट इज आई डोंट वांट हाइड्रोलिस आई डोंट वांट इंट्रैक्शन ऑफ वाटर विद एफ सी एल सो एवर सो आई एम डूइंग इज आई वॉन्ट टू इंट्रैक्ट एफ विद सी तो क्या करेगा एफ क्या करेगा सी एल से चुरा लेगा सी चुराएगा गाइस तो यहाँ पर क्या बन जाएगा आई आई प्लस क्या करेगा इलेक्ट्रोफाइल वो बेंजीन पे अटैक करेगा और क्या बन जाएगा आयोडो बेंजीन राइट तो दैट्स हाउ यू कैन प्रिपेयर आयोडो बेंजीन आल्सो फ्रॉम बेंजीन ओके दिस इज वन ऑफ द मेथर्ड सेकंडली कमर्शियल प्रिपरेशन एक कमर्शियल प्रिपरेशन है जिससे हम बना सकते हैं हेलो बेंजीन फ्रॉम बेंजीन तो वो, वो रिएक्शन बड़ी पर्टिकुलर है तो हमें देख सकते हैं क्या है वो तो बेंजीन की रिएक्शन आप ओ टू से कराइए साथ में एच सी एल एंड द प्रेजेंस ऑफ सी यू सी एल टू कैटलिस्ट

अगर आपको हंसडे का रिएक्शन वो याद थी वहाँ पर मतलब बोरोडीन हंसटिकर एक ही है मतलब है ना इट्स बोरोडी हंसटिकर होंगे हंसडेकर भी रिएक्शन बोल देते हैं उसको बेसिकली तो बोरोडीन हंसटिकर में गाइस कुछ नहीं है बस हमने वहां पर आर लिया था यहां पर ए आर ले लेंगे दैट्स द ओनली डिफरेंस राइट वहाँ भी हमने एल्काइल ब्रोमाइड्स बना था यहाँ पर हम क्या बनाएंगे एराइल एराइल ब्रोमाइड्स बना लेंगे वहां भी पर्टिकुलर बी आर की बात की थी ब्रोमाइड्स की यहाँ भी ब्रोमाइड्स की बात ही करेंगे बट फर्क क्या यहाँ पर एराइल ब्रोमाइड्स बनेगा वहाँ बना था एल्काइल ब्रोमाइड्स दट्स ओनली डिफरेंस ओके

सो so बेसिकली एक क्विक रिक्पसा कर लेते हैं ताकि क्वेश्चन करने में हमें आसानी हो हमें कुछ क्वेश्चन भी करेंगे भी हम तो बेसिकली हेल केन्स में गाइस हमने बात जो करी थी वो क्या थी हमने चार सबसे ढूंढे थे जिससे हम एल्केल्का एलाइट बना सकते हैं पहला था एल्कोहल दूसरा था बोरोडीन हंसटे का नेम रिएक्शन तीसरा था हाइड्रोकार्बन एंड चौथा था एल्फीन्स ठीक है उसमें काफ़ी रिएक्शन गाइस हम इलेवंथ में पढ़ चुके हैं तो हमें एक बार ही बस लिखने की देर होगी हमें रिविजन हो जाएगा उसका राइट सिमिलरली एराइल हाइड्स की जब बात करी है तो मेनली मैंने बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की बात करी है जिसको प्रिपेयर करा है बस मैंने और उससे फिर नंबर ऑफ एल्काइल एराइल हालाइट मैंने बना दी चाहे वो ब्रोमाइड हो क्लोराइड हो आयोडाइड हो या फ्लोराइड हो फिर मैंने बेंजीन से गाइस बनाया कुछ आपने देखा ठीक है यहाँ पर भी अगर आप नोटिस करो ना एक चीज बताया दूँ यहाँ पर भी गाइस मैंने कौन सा यूज़ किया प्रोसेस इलेक्ट्रोफिलिक सब्सिट्यूशन रिएक्शन ही यूज़ किया मैंने राइट right? यहाँ भी इलेक्ट्रोफाइल कौन है सी एल प्लस एक्चुअली दिस इज़ इलेक्ट्रोफाइल ठीक है इसको हमने क्या बोला हाँ इलेक्ट्रोफाइल बोला है. तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्सिट्यूशन रिएक्शन से हम बेंजीन से बना सकते हैं इसका मतलब क्लोरिनेशन ऑफ बेंजीन है ना सिंपल सी बात है इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं गाई इस क्लोिनेशन बोलते हैं इसको क्या बोलेंगे दिस इज नथिंग बट क्लोरिनेशन ऑफ बेंजीन है ना ऐसे ब्रोमिनेशन भी कर सकते हो है ना बट आयोडिनेशन क्लोरीनेशन ही होता है क्लोरिनेशन ब्रोमिनेशन ही होता है बस ठीक है आपको पता है कि फ्लोरीनेशन पॉसिबल नहीं होगा और आयोडिनेशन हो भी गया तो लेस पॉपुलर रिएक्शन होती है और रिवर्सिबल होती है Yield back RI use case. So mainly concentration to halogen Cl or B R at the end of the day. Right? So electrophilic substitution reaction. Hai hai hai. Right. Okay. So we have in arylides, let's revise. We have taken three substrates: one is benzene, one is benzene dizone chloride, and the other one is Huntsdegger reaction. So so far, guys, we have already covered the preparation of halogenes and helurines.

बिकॉज एलाइलिक पोजिशन क्या थी पहला sp3 थ्री कार्बन अटैच टू एल्किंग राइट उसका मतलब यहाँ पर कोई एलाइलिक पोजिशन है नहीं तो क्या करेंगे हम यहाँ पर कोई हमारा प्रोडक्ट नहीं बनने वाला क्योंकि okay, हमें पता है एनबीएस क्या करते एन बी एस अटैच बी आर टू एलाइलिक पोजिशन राइट तो यहाँ पर तो कोई प्रोडक्ट नहीं बनने वाला ठीक है तो बी पार्ट तो गलत हो गया इसका मतलब है ना दिस इज क्लियर बी पार्ट इज रॉन्ग है ना एलाइलिक पोजिशन राइट तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं फर्स्ट पार्ट साफ देख रहे हैं बोरोडीन हंसडे का रिएक्शन है और यहाँ पर देख लो आर सी ओ ए जी बी आर टू से रिएक्शन करते ए आर बी आर बनता था तो यहाँ पर अगर आप सी एस थ्री सी ओ ए जी की बी आर टू से रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा सी एस थ्री बी आर बन जाएगा सी एस थ्री बी आर बन रहा है तो आंसर ए पार्ट आ रहा है इसका है सी आर करेक्ट दैट इज रॉन्ग एंड डी नान इज करो रॉन्ग सो आंसर इज ए इज हंसडे कर रिएक्शन दैट इज बोर्डिंग हंसडेकर रिएक्शन ओके सेकेंड अगर हम देखें क्वेश्चन गाइस लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट क्वेश्चन जो पढ़ेगाइस उसी पर बेस्ड है आपने अगर अटेंटिवली लेक्चर को सुनाया तो आप आराम से क्वेश्चन को कर लोगे कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको वगैरह विच रियजेंट कैनॉट बी यूज टू प्रिपेयर एन एलकाइल हिलाइड फ्रॉम एल्कोहल है ना वही कहना चाह रहे हैं भाई अगर सब्सट्रेट ले रखा है तो कौन सा रिएजेंट इन पांच चारों में से होगा जिससे हम एलकाइल क्लोराइड नहीं बना पा रहे तो गाइस पीसीएल फाइव से तो बनाया था हमने याद ही होगा आपको मैं ट्रिक भी बताई थी आपको यहाँ पर है ना ट्रिक क्या थी गाइस ट्रिक ये थी कि आप इसमें से पी ओ सी एल थ्री निकालते हैं इस तरीके से एक सेल यहाँ पर होता है एक सेल यहाँ पर होता है तो क्या बन जाएगा आर सी एल प्लस पी ओ सी एल थ्री प्लस एच सी एल ठीक है एस सी एल टू की बात नहीं करी है चलो उसके हम यहाँ बात कर लेते हैं गाइस आर ओ एच की रिएक्शन अगर आप एस सी एल टू से कराएंगे तो यहाँ भी कुछ शॉर्टकट होता है एस ओ सी एल टू पिरीडन होता है वैसे तो यहाँ पर शॉर्टकट क्या है कि यहाँ पर एस टू गैस निकलती है कैसे निकलेगी देखो एक बारी एस डबल बॉन्ड ओ सी एल सी एल ठीक है तो यहां पर आप देखो ये दोनों कंबाइंड होते हैं तो क्या बनाएंगे एस टू गैस ये सी एल इसके साथ गया ये सी एल इसके साथ गया तो क्या बन गया आर सी एल प्लस एसओ टू प्लस एच सी एल ठीक है जैसे मैंने पी सी एल फाइव में आपको पी ओ सी एल थ्री निकालना सिखाया था और बाकी मैंने डिस्ट्रीब्यूट किए थे यू नो प्रोडक्ट्स ऐसे यहां पर भी मैं बोल रहा हूँ कि आप एस टू गैस रिमूव कर दो राइट और बाकी प्रोडक्ट्स अपने आप मैनेज आउट हो जाएंगे यहां पर लिख सकते हैं ऑलवेज रिमूव एसोटू गैसूंग रियजेंट एसोसिए उसमें हमेशा एसो टू गैस निकलती है पीसीएल फाइव में गाइजीएल थ्री निकलता है तो ये हमें कुछ ना अगर छोटे छोटे ट्रिक्स याद हो जाएंगे ना तो हम आराम से प्रोडक्ट गैस कर पाएंगे यही कहना चाहूंगा ठीक है तो गाइज ये सही है इसका मतलब ये सही है राइट ये भी सही लग रहा है और ये तो सही है तो लूकस रीजेंट है ये तो पढ़ाई था हमने तो आंसर क्या होगा बेटा दिस इज आंसर है ना हम बार ट्राई देते हैं चीज़ें तो आंसर क्या आ रहा है बेटा ये आ रहा है हमारा कि एन एस एल बात है रिएक्ट तो नहीं करेगा आर ओ एच से यार क्या करेगा एन एस एल क्या करेगा मतलब कुछ नहीं करेगा है ना सी एल माइनस आर ओ एच को आर ओ एच में से ओ एच माइनस को रिप्लेस होना कर पाएगा क्योंकि तो वो इधर न्यूक्लिफाइल है सो क्लियरली एन एस एल इज आंसर विच कैनोट बी प्रिपेयर विच कैनोट बी यूज यू नो टू प्रिपेयर एलकाइल क्लोराइड हेलाइट फ्रॉम एन एल्कोहल राइट आई होप गंगली यहाँ लिख सकते लूकाज रियजेंट या तो मैंने मैं ही नहीं रेक्शन आपको बताइए ओके सो ऑलवेज मेम्बर शॉर्ट ट्रेक्स यू नो टू फाइंड आउट द प्रोडक्ट्स तो एसओ सी एल टू में हमेशा देखना एसओ टू निकालना है और पीसीएल फाइव में गाइस क्या निकालना है पीओ सी एल थ्री निकालना है ठीक है उसके अकॉर्डिंगली आपको प्रोडक्ट्स मैनेज करना है आई होप आपको दिखे रहेगा कैसे मैनेज कर रहा हूं मैं राइट right?

ऐसे गुमराह करने के लिए दे रखे हुए सही जैसा गुमराह होना होना है हमें तो पता है अरे बेंजीन क्या होता है हमें पता है सही सी एच फाइव क्या होता है हमें पता है राइट फिनाइल क्या होता है हमें पता है सब पता है तो कैसे भी लिखो क्या फर्क पड़ रहा है हमारे लिए पी एच सी सिक्स एच फाइव ए आर और ए बनजन रिंग एक ही तो बात है राइट सारी एक ही तो बात है ये सारी अलग अलग तो ना बेसिकली राइट तो अलग अलग तरीके से मैंशन कर दिया उन्होंने बस हमें कन्फ्यूज़ नहीं होना है चलो तो उसका यहाँ पर गाइज एनडिन है ना ये क्या है हमारा एनलिन है इससे हमें आयोडोपेजीन बनाना डायरेक्टली दो मतलब दो रीजन बनाने आपको तो कैसे बनाएंगे ठीक है तो गाइज आपको है ना वी हैव टू तो फॉर्म है राइट तुम कैसे बनाएंगे यार ये दो स्टेप में कैसे बना सकते हैं पहले तो हम गाइज ये तो पता है हमें कि अभी हमने ऐसा कोई रिएक्शन नहीं बढ़ा लेक्चर में कि जिससे एनलिन से डायरेक्टली मैं आयोडोपेजिन बना लूँ हाँ ये जरूर पढ़ा था एक प्रोसेस अगर आपको याद हो डाईटाइजेशन एजो डाई एजोटाइजेशन एजो में हमने पढ़ा था कि एन को पहले हम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बना सकते हैं जैसी बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बन गया उसके बाद आयोडियम बेजीन बना दो तो कोई बड़ी बात नहीं है हमारे लिए है ना तो वही करेंगे पहले हमने क्या किया ए री क्या होगा हमारा एन ए एनो टू एच सी एल जीरो से फाइव डिग्री सेल्सियस दैट इज आर ए इससे क्या बनेगा गाइस ये बन जाएगा राइट इससे बन जाएगा एन ट्रिपल बॉन्ड एन प्लस सी एल माइनस और यहाँ पर गाइस के उसका तो डेट इज बी उससे क्या जाएगा? आयोडो बेंजीन आ जाएगा आयोडोबेंजीन आ जाएगा ओके सो बेसिकली इतना सिंपल था दो स्टेप का रिएक्शन था हमें बस ये फिगर आउट करना था कि यहाँ पर क्या ऐसा प्रोड्यूस करें कि जिससे आयोडोबेंजीन बन जाए तो हमारा मेजर कंसनट्रेशन किस पे था बेनजीन डाइजोनियम क्लोराइड ठीक है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि बेनजीन डाइजोनियम क्लोराइड इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस यू शुड नो इट बाई बिकॉज़ ये अमीन से भी आगे मैं बताया था मैंने आएगा तो लेकिन यहाँ पर भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है मतलब है ना अगर हमें पता है बेंजीन डाइजोनिक्लाइट बनाना आता है तो उससे हम न्यूमरस एराइलाइट बना सकते हैं अगर आप देखो फ्लोराइड होता तब भी तो बना सकते थे आप अगर यहाँ पर ब्रोमाइड होगा तभी बना सकते थे तभी क्लोराइड होगा तभी बना सकते थे जिसका मतलब बेंजीन डाइजोनिक्लट बनाना इंपॉर्टेंट है यहाँ पर तो एस बेंजीन ए प्रोसेस क्या हो गया बेटा वट इज ए प्रोसेस ए प्रोसेस इज डाई एजोटाई Okay, A process. will And B process is simply reaction with. Okay, right. So that's how we proceed with the problem. Okay. So guys, uh, let's discuss the last problem of this lecture so that we come to know all the reagents uh, which we have discussed in today's lecture. Right. So here we are given with C3H6 and and then we are having NBS, that is N-bromosuccinimide. सो गाइज ये क्लियर है कि एन एनग्रोमोसक्सिनट अगर गिवन है तो ये कन्फर्म है ये अलाइलिक प्रोमिनेशन करता है हमने पढ़ लिया उसका तो मतलब जो हमें सब्सट दे रखा है उसमें कहीं तो तो मतलब, ना कहीं एलाइलिक पोजिशन जरूर होगी राइट तो एलाइलिक पोजिशन जरूर होगी उसका मतलब है ना अलाइलिक पोजिशन अगर जरूर होगी तो उसका मतलब हम गैस कर सकते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या होने वाला है इसका स्ट्रक्चर ये होने वाला है प्रोटीन सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू बिकॉज अगर ऐसे स्ट्रक्चर नहीं लिखता मैं तो क्या क्या होगा गाइज़ एक ये पॉसिबिलिटी और ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है ये भी तो पॉसिबिलिटी है साइक्लोप्रोपेन इसका भी देखो मॉनिटर फॉर्मला मैच कर रहा है बट ऑब्वियसली बात है ये स्ट्रक्चर हम फॉलो करेंगे ये वाला फॉलो नहीं करेंगे क्यों ये मुझे पता आ गया एन बी दे रखा है एन क्या करते हैं एलाइलिक ब्रोमिनेशन करते हैं इस वाले कंपाउंड में क्या है नो एलेलिग पोजिशन राइट तो मैं क्यों चूज करूँ ये वाला सबस्ट्रेट चूज ही नहीं करूँगा मैंने इसमें -E क्या है ये एलाइ पोजिशन ऑब्वियसली बात है ऊपर वाला हम क्या करेंगे ऊपर वाला हम uh, सबस्ट्रेट ले लेंगे फॉर एन बी एस रिएक्शन राइट तो एन बी एस रिएक्शन करी क्या होगा एलाइलिक पोजिशन पे बी आ गया राइट right? उसके बाद गई सी ए आ गया हमारे पास उसके बाद देखो कहा एच बी आर पेरोक्साइड एच बी आर पेरॉक्साइड सबको पता क्या करता है हराश इफेक्ट पढ़ा था हमने पेरोक्साइड इफेक्ट जो मैंने बोला था सिंपली एच बी आर के साथ आता है और किसी के साथ नहीं आता है बताया था आपको मैंने तो पेरोक्साइड इफेक्ट में क्या करना है खराश इफेक्ट में हमें क्या करना है बेसिकली हमें बी आर को वहाँ ऐड करना है उस कार्बन पर ऐड करना है जहाँ पर हाइड्रोजन ज्यादा है उसका मतलब बी आर कहाँ ऐड होगा बेटा लास्ट वाली पोजिशन में

बट अगर याद करना है रिटेन करना है तो उन्हें अलग अप्रोच से पढ़ना ऑर्गेनिक को है तो ना उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा उसके लिए आपको ऑब्वियसली एक रिएजेंट टेबल बनाना पड़ेगा उसके लिए आपको फ्लो चार्ट में डील करना पड़ेगा जैसे मैंने बीच में बताया आपको एल्का -E बीच में रखा और बाकी सारे रिएजेंट्स एजेंट्स आस पास रखे राइट तो टिल देन टिल द नेक्स्ट क्लास स्टे सेफ स्टे हेल्दी एंड ऑल द बेस्ट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो